क्वेश्चन है, दरवाजे में हैंडल दरवाजे के कब्जे से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाया जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो कारण बताना है। इसका कारण ये है कि बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए, बलाघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं, बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए किया जाता है ये, बलाघूर्ण तो बढ़ाने के लिए, तो जो बलाघूर्ण तो है समानुपाती में बराबर होता है बल और आर, बल सदिश और आर सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो बल को हम नियत रख देंगे, तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे केंद्र से, तो हमें बलाघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि दरवाजे को, तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए, जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 व दूसरे कण का द्रव्यमान m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए, तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। तो हम जानते हैं कि ये दो पिंड है, उनके मध्य की दूरी जो भी है ये है, इसके बीच में द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है। तो इस पिंड का नाम m1 और इसका m2 रखते हैं, और यहाँ ये ओ ये द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर मास। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2 हो जाएगी। अब हम देखते हैं द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने का सूत्र होता है XCM। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने का सूत्र होता है m1 r1 प्लस m2 r2 बटा m1 प्लस m2। तो ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। तो ये तो इसका सूत्र होता है, इसका प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमें डायरेक्ट करना होता है। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट करने के लिए m1 और ये d खिसकाई है बराबर होता है m2 और ये d2। तो हमें क्या ज्ञात करना, d2 ज्ञात करना है। तो ये बराबर होते हैं, यानी द्रव्यमान केंद्र बराबर है तो एक ही है द्रव्यमान केंद्र, तो जो खिसकेगा वही उतना खिसक जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा m1 d बटे m2 बराबर d2। तो जो दूसरा कण है उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, m1 d बटे m2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक वृत्ताकार चक्ती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, अपनी धुरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा। हम जानते हैं कि चकती का जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, यानी कि आई बराबर, आई जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, आई बराबर m k² यानी कि चकती का जड़त्व आघूर्ण बराबर चकती का द्रव्यमान इंटू आघूर्ण त्रिज्या का वर्ग।
के गुणनफल के बराबर होती है। तो के स्क्वायर के आघूर्ण त्रिज्या है, और चकती की जब चकती के केंद्र पर केंद्रीय अक्ष के परित घूर्णन करती है चकती, तब इसकी आघूर्ण त्रिज्या यानी के बराबर होती है, यानी जो चकती की त्रिज्या है आर, उसका 1/√2 गुना होती है। तो घूर्णन त्रिज्या कितनी हो जाती है, चकती की त्रिज्या की 1/√2 गुनी हो जाती है जब वह केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस समीकरण में हम यहाँ आर का मान रख लेते हैं, और रखने के बाद हम हल करते हैं तो हमें 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर है, उन्हें संपीड़ित कर उनका आयतन बी से बी बटे दो किया जाता है। ए को समतापी तरीके से व बी को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया जाता है। ए का अंतिम दाब होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि समतापी तरीका है, तो समतापी तरीके के लिए पी वी बराबर कांस्टेंट होता है। तो पहले हम पी वी के लिए कर लेते हैं। तो पी वन बी वन बराबर बाद में जो दाब क्या हो जाएगा उसको हम देख लेंगे, पी टू, और ये आयतन कितना कर देंगे बाद में बी बटे दो। तो हमारा जो दाब हो जाएगा बाद का दाब पी टू बराबर हो जाएगा टू, ये बी से बी कट जाएगा ना, बी वन से बी वन, आयतन का आधा किया तो ये हो जाएगा हमारा टू पी वन, यानी पहले के दाब का दुगना हो जाएगा बाद में दाब संपीड़ित करने से समतापित तरीके में से। अब हम देखते हैं रुद्धोष्म तरीके से। रुद्धोष्म तरीके में क्या होता है, पी बी की घात गामा बराबर कांस्टेंट। तो इसमें हम मान रखते हैं और देखते हैं क्या आता है रुद्धोष्म तरीके में। तो पी वन और बी वन की घात गामा बराबर पी टू, और ये बी को आधा कर रहे हैं तो बी वन बटे और इसकी घात गामा। तो हम जानते हैं कि बी वन से तो बी वन गामा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पी टू बराबर पी वन और दो की घात गामा। अब हम जानते हैं गामा बराबर सी पी बटे सी वी होता है, गामा बराबर सी पी बाई सी वी। तो सी पी का मान ज़्यादा होगा तो गामा का मान अधिक होगा। तो हमने देखा कि ए का जो दाब कितना है, तो ए का दाब बी के दाब से कम होगा, तो ये बी का दाब है, ये बी का दाब है, और ए गैस का दाब कितना है, टू पी है, टू पी, और इसका टू पी की घात गामा है, तो गामा माना दिखोगा, तो इससे सही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी, यानी बी से कम हो जाएगा ए का दाब। तो ये तो था हमारा वैज्ञानिक तरीके से हल करना, अब हम नॉर्मल तरीके से यानी कॉमन सेंस लगा करके हल करते हैं। देखो समतापी प्रक्रम होता है, तो समतापी प्रक्रम जैसे कि माना कि ये गैस है, गैस भरी हुई है, पिस्टन को दबाते हैं, तो दबाने पर समतापी प्रक्रम में क्या होता है कि गैस का जो ताप है वो क्या रहता है, नियत रहता है, और जो बाकी की जो ऊर्जा होती है वो क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसी इसका दाब जो है वो पहले के दाब के बराबर ही रहना चाहिए, क्योंकि दबाने पर जितनी भी ऊर्जा होती है वो सब निकल जाती है क्योंकि टेम्परेचर बराबर है।
और जो रुद्धोष्म तरीका होता है उसमें क्या है कि जैसे पिस्टन को दबाते हैं तो बाहर तो ऊर्जा नहीं जाती, तो अंदर का क्या ताप बढ़ जाता है, और अंदर का ताप बढ़ेगा, अंदर का ताप बढ़ेगा तो क्या दाब में वृद्धि होगी। तो आयतन को हम आधा करेंगे तो दाब कितना होना चाहिए, तो दुगना हो जाना चाहिए दाब रुद्धोष्म तरीके से, क्योंकि बाहर ऊर्जा निकलेगी नहीं, तो जितनी भी ऊर्जा रहेगी वो सब क्या है दाब को भी बढ़ाएगी। तो इस तरह से जो बी का दाब है वो ए से अधिक होगा, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है तो 40 जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है दी गई ऊष्मा प्लस किए गए कार्य के बराबर होती है। अब यहाँ देखते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि पहले आंतरिक ऊर्जा क्या थी, पहले आंतरिक ऊर्जा यानी जो अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 थी, और पहले आंतरिक ऊर्जा कितनी थी U1, अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक, एक मिनट, तो हम यहाँ U2 को अंतिम ऊर्जा मान लेते हैं और V1 को प्रारंभिक ऊर्जा मान लेते हैं, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। Q बराबर क्या, हमको ऊर्जा दी नहीं है हमने निकाय को, जबकि निकाय से निकली है, तो Q हम क्या -40 जूल मानेंगे, ठीक है। प्लस कार्य निकाय पर किया जा रहा है इसलिए प्लस में आएगा, निकाय द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, तो ये आ जाएगा किया गया कार्य, W बराबर हो जाएगा 20 जूल। अब यह हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक ऊर्जा थी वो कितनी थी, 70 जूल थी, तो हमें U2 ज्ञात करना है अंतिम ऊर्जा, तो हम 70 को इधर ले जाएंगे, तो 70 को इधर ले जाएंगे तो ये 70 20 90 हो जाएगा, 90 में 40 घटाएंगे तो U2 बराबर कितना आ जाएगा, 50 जूल आ जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा कितनी रह जाएगी अब इसकी, 50 जूल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10^4 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसका जो स्रोत का ताप है वो 227 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 227 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम केल्विन में बदल लेंगे, क्योंकि केल्विन में बदलना ज़रूरी होता है अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा, केल्विन में ही मान होते हैं, तो इसका हो जाएगा 500 केल्विन। 273 को 227 में जोड़ देते हैं, 500 केल्विन हो जाता है, तो T1 ताप हो जाएगा स्रोत का। अब T2 ताप है ना, सिंक का कितना है, 127 है, तो यहाँ हम देखते हैं 127 है, तो यहाँ पे कार्य करता है, और कार्य करने के बाद में ऊष्मा जो दे देता है बाकी की ऊष्मा, ये तो कार्य में आ जाएगा W, और W बराबर क्या होता है, यानी दी गई ऊष्मा, यानी T1 मान तो टेम्परेचर को, तो ली गई ऊष्मा कितनी है, यहाँ पर Q1 दे रखा है, Q1 बराबर 10^4 जूल, और किया गया कार्य W बराबर होता है Q1 माइनस Q2, और स्रोत को कितनी ताप दे रहा है, T2 बराबर दे रखा है
127 डिग्री सेल्सियस। अब 127 को केल्विन में बदलेंगे तो 400 केल्विन आ जाएगा। तो 400 में से हम 500 को 500 में से हम 400 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा, यानी कि कार्य में की लिया गया ताप। तो कार्य में लिया गया ताप कितना हो जाएगा, 100। ये तो इस तरह से हम निकाल लेते 100। और एक तरीका और है वो दिखाते हैं हम। तो 100 निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको जब 100 जब 500 था तो 100 कार्य में परिवर्तित हुआ, यानी 10^4 था तो 10^4 में हम 500 का भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, 2000 जूल आ जाएगा हमारा। एक तो ये होता है, और दूसरा तरीका और ये होता है, जैसे T1 बराबर Q1 और T2 बराबर Q2, इनको हम बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ देखते हैं T1 का ताप बढ़ता है तो Q2 का ताप बढ़ता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, T1 निकाल लेते हैं, Q2 निकाल देते हैं, और Q2 निकाल लेते हैं तो Q2 निकाल करके जो अंतर आता है उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षताएं होती है, तो इनकी दक्षताएं बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान होगी, आयाम ए दे रखा है। तो आयाम ए है, जैसे कि हम मानते हैं आयाम ये है, इसकी लंबाई ए है, तो यहाँ पर तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि यू बराबर क्या होगी, यू बराबर मैक्सिमम होगी स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पर भी यही स्थिति होती है गतिज ऊर्जा, यहाँ पर भी क्या है, गतिज ऊर्जा। और आयाम की बात करें तो इस तरह से ये आयाम होते हैं ए और ये ए, तो इसी गतिज ऊर्जा यहाँ आधे पर ए बटे दो पर नहीं होकर के क्या कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यानी कि ए बटे अंडर रूट दो, ए बटे अंडर रूट दो पर यू बराबर यानी कि स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है जब ए बटे अंडर रूट दो होता है तब। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बच्चा झूले पर झूल रहा है और उसकी ज़मीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 मीटर व 2 मीटर है, तो उसकी अधिकतम चाल क्या होगी। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सरलावर्त गति में ऊर्जा का वेग होता है यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो हमें वेग दे रखा है तो वेग निकाल लेंगे, तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी यानी कि एम जी एच, यानी कि ये बल क्या करता है नीचे की ओर खींचता है और गतिज ऊर्जा इसको झूले को झुलाने का काम करती है, और एम जी एच क्या करता है झूले को रोकने का काम करते हैं। तो जब ये बराबर होंगे तो झूला संतुलन की स्थिति में होता है, तो इससे हम इसको निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे। तो हमें दे रखा है कि तो m से तो m कट जाएगा, बचा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है और यहाँ पर 2 gh हो जाएगा,
तो एच बराबर हमको कितना दे रखा है, 1.75, तो 1.25 आ जाएगा जब घटाएंगे हम दो में से, 0.75 घटाएंगे तो हमारे पास में 1.25 आ जाएगा। गुणा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 होता है और ये 2, अब इसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, गुणा 2 है ये। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद में हमें 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा बी बराबर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 5 किलोग्राम का एक घट्टा है और स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन पर मीटर है और एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो गट्टे को अपनी मूल स्थिति से 10 सेंटीमीटर पर विस्थापित कर दिया जाता है, तो गट्टे का दोलन काल क्या होगा। तो हमें दोलन काल ज्ञात करना है। दोलन काल का सूत्र होता है, दोलन काल को ही आवर्त काल बोलते हैं। आवर्त काल बराबर होता है टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम बटा के। एम क्या है, सॉरी ये एम और बटा के, तो एम है गट्टे का द्रव्यमान और के है स्प्रिंग नियतांक। तो हम जानते हैं कि देखते तो इस सूत्र से पता चलता है कि आवर्त काल स्प्रिंग नियतांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यह आवर्त काल को कम करता है और द्रव्यमान आवर्त काल को बढ़ाता है। तो यहाँ से जो हमें काम की चीज़ क्या है, एक तो इसका द्रव्यमान और स्प्रिंग नियतांक, ये दो चीज़ें लेनी है। इसके जो ये विस्थापन है इससे कोई मतलब नहीं है, विस्थापन से। तो हमारे पास इसको मान रख देंगे हम 2 पाई अंडर रूट एम कितना दे रखा 5 और स्प्रिंग नियतांक दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 2π/10। तो 2π/10 को हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पाई का मान होता 3.14, 3.14 को गुणा करते हैं 2 से गुणा करेंगे तो 3.14, तो आ जाएगा हमारा 8, 2 और 6। तो यहाँ पर 6 के बाद दशमलव था, 10 नीचे है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सेकंड 0.628 सेकंड आ जाएगा हमारा आवर्तकाल, और ये कहाँ पर दे रखा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धेनी की चाल पर ताप का प्रभाव, तो यह नियम लाप्लास ने दिया था, किसने दिया था, लाप्लास ने, लाप्लास का ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। तो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर है RT, तो यहाँ इसका मान रखते हैं, रखने के बाद में गैस में ध्वनि की चाल अंडर रूट गामा P/D होती है, तो P का मान रख देते हैं RT और D का मतलब होता है घनत्व, यानी D, तो गामा RT/M। तो ध्वनि की चाल क्या होती है, अंडर रूट गामा RT/M, तो ये ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है ध्वनि की चाल, चाल है। ये ध्वनि की चाल है।
गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लाप्लास ने नियम दिया था, ये लाप्लास का नियम है, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल, लाप्लास। तो लाप्लास ने बताया कि ध्वनि की चाल वी वी जो है अंडर रूट गामा पी बटे डी, डी घनत्व है और पी दाब है, इसके बराबर होती है। तो पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा आर टी बटे एम, और डी की जगह पे हम एम रख सकते हैं। तो क्या हो गई, जो ध्वनि की चाल हो जाएगी बी बराबर हो जाएगी अंडर रूट टी, यानी ताप के वर्ग के समानुपाती होती है चाल। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर टी, यानी कि ताप जो है, ताप बढ़ेगा तो वेग स्क्वायर में बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही होगा। तो यहाँ हम ऑप्शनों में देखते हैं, पहले ऑप्शन में ताप बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है, ताप इधर बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ताप बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ रहा है, तो ये सही मान सकते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि वेग बढ़ रहा है और ताप घट रहा है, तो सी भी गलत है। और यहाँ देखते हैं कि इसमें वेग तो क्या है, कॉन्स्टेंट नियत है, और इसमें ताप बढ़ रहा है, तो ये वाला भी गलत है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही होगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो डॉपलर प्रभाव का सूत्र होता है, यानी जो आवृत्ति हमें सुनाई देती है, तो कितनी आवृत्ति हमें सुनाई देती है, तो उस आवृत्ति को हम एच से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी कि आवृत्ति ऑब्जर्व्ड की आवृत्ति है, कितनी आवृत्ति सुनाई देता है। ये ध्वनि का वेग होता है और ये भी बटे में ध्वनि का वेग, प्लस माइनस ये ऑब्जर्व्ड का वेग है, और प्लस माइनस ये है स्रोत का वेग, एस सोर्स का वेग। ये डॉपलर प्रभाव का सूत्र है, और ये एच है ये मूल आवृत्ति है, जो पहले आवृत्ति कितनी थी और कितनी आवृत्ति ऑब्जर्व को सुनाई देती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्रोता की आवृत्ति हो गई, और ये स्रोत की आवृत्ति है और प्रेक्षक की आवृत्ति है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि ध्वनि, एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस करा दे। तो यहाँ पे हमने देख, यहाँ हम देखते हैं कि जो आवृत्ति है वो कितनी करा रहा है, दुगनी करा रहा है इसको महसूस। तो आवृत्ति कितनी होगी, डबल हो गई, और एच, और इधर क्या है, एच बराबर क्या है, एक ही रहेगा डबल। और यहाँ आवृत्ति वेग दे रखा 330 ध्वनि का वेग, यानी से 330 हो जाएगा, 330 होगा, सॉरी 330 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखते हैं कि स्रोत का वेग तो क्या है, गति कर रहा है, तो स्रोत जब स्रोता की ओर जाएगा तो चाल में क्या होगी, ये ऋणात्मक चाल लेंगे इसको, तो ये हो जाएगी ऑब्जर्व का, सॉरी स्रोता का वेग। और यहाँ स्रोत का वेग दे ही नहीं रखा तो उसको जीरो रहेंगे, तो ये हमारा समीकरण बन जाती है समीकरण। अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो हल करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, एस बराबर प्राप्त होगा, यानी कि इसको कलर चेंज करते हैं, तो हल करने पर एस बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि स्रोत की चाल बराबर प्राप्त होती है हल करने पर इस समीकरण को, तो 165 मीटर पर सेकंड प्राप्त होती है।
धनात्मक, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो एक समान नलियों यानी कि ए और बी, ए और बी नलियां समान हैं पूरी तरह से, लंबाई चौड़ाई त्रिज्या जो भी है वो सब समान है ए और बी, ए के दोनों सिरे खुले हैं और बी का एक सिरा बंद है, तो नलियां ए व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बंद आवृत्ति यानी जो खुली नली है, खुली नली की मूल आवृत्ति क्या होती है, इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको ए बोलेंगे, खुली नली की मूल आवृत्ति ओपन, खुली नली की मूल आवृत्ति न्यू ए बराबर होता है बी बटे टू एल, एल बराबर है नली की लंबाई और बी बराबर है अनुदैर्ध्य तरंग की, अनुदैर्ध्य तरंग है, और जो बंद है बंद नली उसको कहते हैं जिसका एक सिरा बंद होता है, तो इसकी मूल आवृत्ति होगी न्यू बी होगी, तो बंद की होगी बी बटे फोर एल, बी बटे फोर एल होगी। बी बटे फोर एल अब हम इसमें अनुपात बताना है यानी कि ए बटे बी में अनुपात बताना है कि इनकी मूल आवृत्तियों में अनुपात क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बी और एल दोनों में है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका कितना है एक बटे दो और इसका एक बटे चार है, तो मतलब कि दो से ये दो कट जाएगा बचा दो, तो अब क्या है जो बी की जो आवृत्ति होगी वो अभी भी आधी है और इसकी क्या है एक है, बंद नली की आवृत्ति कितनी है आधी है और जब खुली नली की आवृत्ति एक है, तो ये हो जाएगा इसका अनुपात निकालेंगे तो दो अनुपात एक आ जाएगा, यानी कि ए का कितना भाग होगा दो और बी की कितनी आवृत्ति होगी एक, तो दो अनुपात एक आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दो अनुपात एक।